कमेटी रजिस्टर्ड मोगा द्वारा की गई एक अहम बैठक। पंजाब के मोगा शहर में दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड मोगा की एक अहम बैठक रखी गई। प्रधान मोहन लाल सेठी की अगुवाई में यह बैठक रखी गई। इस बैठक में आने वाले दशहरा पर्व को मनाने के लिए विचार विमर्श किया गया, जिसमें 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हो रहे नवरात्र के पहले दिन झंडा पूजन और रामजन्म शोभा यात्रा निकालने का मुद्दा सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा 11 अक्टूबर सोमवार को भगवान श्री राम की बारात पुरानी दाना मंडी मोगा से निकाले जाने के बारे में विचार किया गया और 15 अक्टूबर को दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाए जाने के विचार से सभी सभासद सहमत हुए। इस बैठक में भगवान श्री राम की बारात में कितनी झांकियां निकाली जाए, इस पर विचार किया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते दशहरा त्यौहार बड़े ही साधारण तरीके से मनाया गया, जबकि सारे शहर वासियों को दशहरा कमेटी मोगा रजिस्टर द्वारा मनाए जाने वाले दशहरा पर्व का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है, परंतु इस बार फिर से दशहरा त्योहार को उत्साह से मनाने का विचार मन में है। इसके अलावा प्रधान ने बताया कि इस बार दशहरा त्योहार में सभी प्रोग्राम प्रशासन की इजाजत लेकर और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा, जिससे कि पूरे शहर वासियों को दशहरा का त्योहार मनाने की खुशी भी मिले और हमारा सारा ही शहर बीमारियों से या किसी भी आपदा से सुरक्षित भी रहे। बैठक में प्रधान मोहन लाल सेठी की अगुवाई में कैसर आर से चावला, सेक्रेटरी ओमकार सिंगला, डायरेक्टर रमेश कुमार, संजीव सूद, मास्टर दर्शन लाल, पूर्व डिप्टी मेयर अनिल बंसल के अलावा अन्य बहुत से मुख्य सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखें मोगा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाँ, असि जिस तरह की शुरुआत करनी है, अपना पहले अपना तो ये करनी है, असि ईमानदार इन प्रभु राम के सेवक बन के प्रभु राम बरात हो बरात के अगे चलना है। प्रभु राम की बरात के बराती बनना समझ लो भाग्यशाली हो अपने आप। जो आप शोभा यात्रा निकालते हैं अपने आप न अपने आने वाली पीढ़ी में बहुत बड़ा अच्छा मैसेज दें और मैं समझना कि भी आप शहर दिया और संस्थावान भी जोड़ के ना चलना चाहिए। रैदर मेरी एक सुजैशन थोड़े जरिए यह है कि भी जिन्हें भी शहर दिया जो स्कूल कॉलेज है उन्होंने वालों उन्होंने अपने वालों एक रिक्वेस्ट लैटर दी जाए कि भी एक झाकी थीम वजो उन्होंने लगाई जाए, उन्होंने एक डिस्प्ले भी आ जूगी उन्होंने। हाँ जी सर, अज की मीटिंग का जो मुद्दा है बारे दस। अज दशहरा कमेटी रजिस्टर मोगा के सारे मैंबर मिल के बैठक की। दशहरा 2021 जिहड़ा कि दशहरा कमेटी रजिस्टर मोगा लगभग पिछले बहुत एक्स्ट्रा बहुत लंबे सालों तो मनाया जा रहा है, इस बार भी सारे मैंबर ने यह मिल के तय किया कि भावें कोविड 19 का असर है, भावें सरकारी प्रशासन के कुछ हिदायत ने, सारे का अमल करते हुए दशहरे को बहुत अच्छे ढंग शानो शौकत के नाल दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड मोगा और शहर वासी मिलकर मनाएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है और प्रभु रामचरणा के नाल लगे हुए हैं। दशहरा जिहड़ा 7 अक्टूबर में प्रभु राम जन्म होएगा, दशहरे की तैयारी होएगी। पहला नवरात्रा होंगे, हर साल असी पहले नवरात्रे से प्रभु राम जन्म करते हैं, इस बार वो 7 अक्टूबर नू आ रहा वीरवार का दिन है। सवेरे 9 बजे मंडी के अंदर भारत माता मंदिर के नाल दशहरा कमेटी का दफ्तर है, उत्थे असी प्रभु राम का कीर्तन करके प्रभु राम के गुणगान करके उस फंक्शन असी शुरू करते हैं। उस तो बाद 11 तारीख नू जिहड़ा कि प्रभु राम बारात है, हर साल असी बहुत लंबा प्रभु राम बारात का शोभा यात्रा निकालते हैं, सारे शहर के अलग अलग हिस्सों तो होंगी जाती है। इस बार भी शोभा यात्रा प्रभु राम बारात जिसनों कहते हैं आप बड़ी शाम के नाल सारा शहर वो शामिल होता है, शहर वासी बड़ी खुशियां नाल वो इकट्ठे होंगे ने। मैं कई कई जगह का देखता रामगंज मंडी के अगे, फौजी मार्केट के अगे, मेन बाज़ार के अगे, बाग गली के अगे, खास तौर पर पुरानी सिटी के कोल गीता भवन चौंक, डीएम कॉलेज चौंक,
इतना रश होंदा उस जगह पर, शहर वासी सारे उसनों बड़े खुशी के नाल मनाते हैं। इस बार भी प्रभु राम बारात निकाली जाएगी। उस तो बाद 15 तारीख का दशहरा, जिहड़ा 15 तारीख का दशहरा, असी प्रशासन को बेनती की है कि सानू साडी पुरानी जगह जिहड़ा कि स्टेडियम है टाउन हॉल क्लब का, टाउन हॉल नगर कौंसल का टाउन हॉल स्टेडियम है, उत्थे सानू हर साल असी बहुत लंबे अरसे तो उत्थे दशहरा मनाया जा रहा है। सरकार को असी बेनती पत्र DC साहब को दे चुके हैं, जिस तरह की परमिशन मिलेगी दशहरा बड़े शान शौकत के नाल दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड मोगा मनाएगी। सर दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड मोगा पिछले किन्ने साल तो मोगा विच दशहरा मना, मैं मेरी जी याद आ रहा है जो मैं पता है वो मैं ऐसा लग रहा है कि शायद ये 70 सालों तो भी वध होएगा। असी बहुत छोटे टाइम तो लाला भिखू राम जी, वैद्यनाथ राज जी, बड़े बड़े ऐसे साढ़े बिग बैन वाले के पिता जी, कई ऐसी पुरानिया शख्सियतें, लाला साधु राम जी, असी पुराने लोग याद करते हैं। साढ़े भूषण टेंट वाले मैं ऐसा लगता है कि शायद 25-30 साल उन्होंने इसकी सेवा की, अज साढ़े च नहीं है पर उन्होंने बच्चे अज भी रॉकी जी बैठे ने सारे साढ़े नाल ये लगे हुए हैं। तो यह सारा शहर वासियों का काम है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, प्रभु राम का काम है, प्रभु राम के सेवक अपने आप ही उत्थे जुट जाते हैं। और इस दे विच सानू कदे भी कोई धन की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि शहर वासियों ने ही मिलकर करना होंगे और शहर वासियों के सहयोग नाल ही यह काम होंगे। जिहड़े साडे सेवक ने अपने कोलों सेवा भी करते हैं, तन मन धन नाल सेवा करते हैं। सो असी चाहते हैं साडे आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है उसनू साडे पुराने साडे जो महापुरश महारिशियों के संस्कार ने वह उन्होंने तक जा सकन, किस तरह असत्य के उपर सत्य की जीत हुई है ये सामने आ सके, किस तरह भगवान राम ने रावण के रावण युद्ध के अंदर रावण का अहंकार तोड़िया, उस चीज़ को असी सामने लियाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के आने वाले बच्चों के। सर 7 अक्तूबर तो किन्नी तरीक तक दशहरा का जो प्रोग्राम चलेगा जी? सर देखो 7 अक्तूबर में शुरू होएगा, वो प्रभु राम जन्म का स्थान है, प्रभु राम का गुणगान करके असी प्रभु राम जन्म का शुरुआत करते हैं दशहरा फंक्शन। 11 प्रभु राम बारात है, उस तो बाद असी दशहरे का फंक्शन फिक्स डेट होंगी जिहड़ा कि सारे हिंदुस्तान में 15 अक्टूबर का, उस तो बाद असी जिहड़ा बर्थ मिलाप जिसको कह देंगे मंडी कर बर्थ मिलाप वो होंगे जिसनों असी राज तिलक भी कहने प्रभु राम नूं राज तिलक होया। दशहरा तो किन्ने दिन बाद करवाया जाता है? असी ये डेट जी असी अपनी सहूलत दे और शहर वासियों की सहूलत दे वार दे हिसाब नाल निकालते हैं, वो असी क्योंकि अगली मीटिंग तय होएगा, अज की बैठक ये कार्यक्रम तय हुए हैं, नैक्सट जी बैठक होएगी वो बर्थ मिलाप राज तिलक वाली डेट असी सारे शहर वासियों को दसा। सर इस तो इलावा करोना काल चल रहा है, की करोना नियमों का ध्यान रखा जाएगा, सरकार की गाइडलाइन सुनी जानी है? सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखांगे, जरूर रखांगे, पर यह ऐसा त्यौहार है जिहड़ा कि अज त्यौहार बहुत कटते जा रहे हैं। अज तुसी होली त्यौहार भी देखो कोई बहुत तरह नहीं मनाया जा रहा, अपना घटो है। असी कहने साडा सब तो वड्डा त्यौहार दिवाली है, दशहरा है, ये त्यौहार ने साडे, और इसनों प्रशासन को भी बेनती यही करांगे कि सानू जितना गाइडलाइन तुहाडी सानू होए, असी भी चाहुंदे आ कि सरकार दी गाइडलाइन दे अंदर ही काम होना चाहिए, और सरकार तो भी असी सरकार नू साडे सारे मैंबर पूरी तरह सहयोग करांगे, और सरकार तो भी उम्मीद करते हैं कि सरकार साडे इस त्यौहार नू लोगों की भावनावां का ध्यान करते हुए सानू वध तों वध सहयोग करेगी सरकार, इन्नी बेनती है। और शहर वासियों नू हुम हुमा के इस दशहरा त्यौहार दे विच नाल चलन दी जिथे असी आमना करते हाँ उत्थे पहले तो धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि हमेशा सानू सहयोग मिले, ये कोई पोलिटिकल पार्टी का नहीं है, शहर दी सारे लोग भावें वह किसी पोलिटिकल संस्था नाल होए साडे लई स्वागत है, ये प्रभु राम दा सेवकां दा काम है और प्रभु राम दा ही काम है। किस तरह भक्त हनुमान ने प्रभु राम की सेवा की, सो वो चीज़ा सारिया दिखावे असी इस रामलीला के अंदर दिखाई जा। सो इन्ना ही मैं बेनती।